वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ग्रो के वेबसाइट पे आके अपना सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान मतलब SWP कैसे शुरू कर सकते हो। एक सीनियर सिटीजन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे पता है, क्योंकि जितना भी महीने का इनकम रहता है रेगुलर इनकम वो बंद हो चुकी है और आपने जो जितना भी पैसा आपने इकट्ठा किया है वाया प्रोविडेंट फंड या फिर ग्रेचुटी वो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और हर महीने आपको अपना घर चलाने के लिए या फिर मंथली एक्सपेंसेस के लिए आपको एक रेगुलर इनकम जरूरी है अपने बैंक अकाउंट में। तो SWP एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप हर महीने कुछ कुछ पैसे अपने जो फंड है उस फंड से निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हो। लेकिन हम वो कैसे करेंगे आज ग्रो ऐप में, वो मैं आज इस वीडियो में आपको शो करूंगा। ग्रो का जो ऐप है उसमें जाके आप SWP शुरू नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, आपको ग्रो की जो वेबसाइट है वहां पे आना पड़ेगा और ग्रो की वेबसाइट में आने के बाद आप अपने अकाउंट में लॉग इन करोगे। कोई भी एक ब्राउजर से आप ग्रो की वेबसाइट ओपन कर सकते हो, GROWW.IN ये है ग्रो की वेबसाइट। ग्रो की वेबसाइट में आने के बाद आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद ये जो स्क्रीन है मेरे सामने वो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, फिक्स डिपॉजिट है, US स्टॉक्स है, गोल्ड है। तो हमको आना है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड में हम आ गए और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है इन्वेस्टमेंट्स में। इन्वेस्टमेंट्स में क्लिक करने के बाद आपने जितने भी फंड में इन्वेस्ट किया है वो सारे फंड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एक एडवांटेज क्या रहती है, अगर आपने गूगल का अकाउंट यूज़ किया है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपने यूज़ किया है इन्वेस्ट करने के लिए तो वो सारे फंड एक साथ आपको ग्रो के ऐप में दिख जाएंगे। जैसे कि मेरा ये जो फंड है निकॉन इंडिया फार्मा फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये मैंने इस प्लेटफॉर्म में ग्रो की प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने क्योंकि गूगल का सेम अकाउंट यूज़ किया है दूसरे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, इसीलिए ये मेरा जो फंड है यहाँ पे दिख जा रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैंने कौन सा फंड यूज़ किया है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये जो फंड है ये मैंने ग्रो की जो प्लेटफॉर्म है उससे ओपन किया है। तो ये वाले स्क्रीन के ऊपर आपको अपने सारे फंड्स दिख जाएंगे। तो ये वाला फंड में अगर आप राइट साइड की तरफ आओगे 3 डॉट का एक बटन दिख जाएगा, इस पे अगर आप माउस को लेके जाओगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टार्ट SWP। तो इस स्टार्ट SWP में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट SWP में क्लिक करोगे आपको यहाँ पे और भी आगे की डिटेल्स दिख जाएंगी, मतलब टोटल फंड का साइज कितना है। अभी टोटल फंड का साइज है 43,849 मेरे लिए। और यहाँ पे आपको दिख जाएंगी जो SWP की जो डिटेल्स है आपको फीड करना है, आपको देना है, वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। मंथली SWP अमाउंट ये है वो अमाउंट जो आपको हर महीने चाहिए अपने बैंक अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे सैंपल के लिए 3000 यहाँ पे डाल दूंगा और 3000 डालने के बाद इंस्टॉलमेंट है 42,000 यहाँ पे टोटल SWP अमाउंट हमको दिख गई है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 14 नहीं करना है मुझे सिर्फ 3-4 महीने के लिए ये हर महीने रेगुलर इनकम की जरूरत है। तो मैम यहाँ पे ऑप्शन भी है कि आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में 4 का ऑप्शन डाल दूंगा, मतलब 4 महीने के लिए मुझे 3000 हर महीने चाहिए। SWP डेट, ये डेट है आपको महीने के कौन से तारीख में आपको पैसा चाहिए अपने बैंक अकाउंट में। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं हर महीने की पहली तारीख को अपने बैंक अकाउंट में ये पैसा चाहता हूँ लास्ट अगले 4 महीनों के लिए, 4 इंस्टॉलमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप फिर से एक बार वैलिडेट कर लोगे अपने डिटेल्स। इंस्टॉलमेंट है 4, मंथली SWP अमाउंट है 3000, टोटल 12000 की अमाउंट है, SWP डेट इज 1, मतलब हर महीने की पहली तारीख को SWP की जो पैसे हैं वो अपने बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद आपको करना है कन्फर्म SWP। जैसे ही आप कन्फर्म SWP करोगे 5-6 सेकंड लगेंगे ये SWP को कन्फर्म होने में, हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे और डन, योर SWP हैज बीन स्टार्टेड, मतलब 12000 की जो टोटल अमाउंट है SWP की वो स्टार्ट हो चुकी है। हर महीने की पहली तारीख में 3000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये करने के बाद आपका जो SWP है वो स्टार्ट हो गया। अभी आप गो टू डैशबोर्ड में आओगे और डैशबोर्ड में आके आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स और भी दिख जाएगी। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे आपको दिख जाएगी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यहाँ पे मतलब एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपका एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको दिख जाएगी। तो आपके सामने जैसे ही आप SWP शुरू करोगे ये वाला जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव है अपना SWP। अगर आपको किसी भी रीजन के लिए आपको SWP स्टॉप करना है तो आप यहाँ पे स्टॉप SWP करोगे। जैसे ही आप स्टॉप SWP करोगे ये भी SWP आपका स्टॉप हो जाएगा, मतलब जितना भी इंस्टॉलमेंट आपका हो चुका है वो कंप्लीट होने के बाद आपने अगर स्टॉप किया तो अगले की जो जितनी भी इंस्टॉलमेंट है वो बंद हो जाएगी, मतलब और 3000 रुपये आपके महीने हर महीने नहीं आएंगे। तो ये आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे बैक करके और यहाँ पे आप देख सकते हो कि SWP का जो ऑप्शन था वो यहाँ से डीएक्टिवेट हो चुका है, मतलब अभी आपके फंड में कोई भी SWP एक्टिवेट नहीं है। तो इन्वेस्टर्स ये था एक छोटा सा वीडियो जहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप ग्रो के वेबसाइट में आके कैसे SWP शुरू कर सकते हो। SWP बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीनियर सिटीजन के लिए, रेगुलर इनकम जिनको चाहिए होता है पैसिव इनकम की ओर से SWP इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल। दैट्स ऑल इन्वेस्टर्स फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको कोई भी फीडबैक अगर देना हो, कोई भी डाउट हो तो मैं जरूर
उस कमेंट को क्लैरिफाई करूंगा। थैंक यू इन्वेस्टर्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय।